ऑटो वाले को कुछ समझते नहीं है, जबकि इनकी पार्किंग नहीं है, ऑटो वालों की लाइन बनी हुई है खड़े होने के लिए, हम लोगों को खड़ा नहीं होने देते, ये यहाँ से हटा देते हैं गाड़ी वाले, प्राइवेट वाले। अच्छा, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं देवेश कुमार और ट्रांसपोर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं मेट्रो स्टेशन सेक्टर 18-19 रोहिणी में, और यहां मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इधर ये ऑटो खड़े हुए हैं, ऑटो, और ऑटो के बराबर में एक ये गाड़ी खड़ी हुई है यहां पर, ये पर्सन नंबर गाड़ी है, आप उसको नंबर दिख रहा होगा आपको गाड़ी का, एक गाड़ी इधर है और एक गाड़ी इधर खड़ी हुई है, इसका भी नंबर आपको शायद दिख रहा होगा। तो ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये किस लिए जगह यहाँ पे जो जगह बनाई गई है किस लिए है, आपको मैं दिखाना चाहूँ तो एक बार दिखा सकता हूँ। इधर लिख रहा है आपको, झूम करके दिखा देता हूँ ऊपर, ऑटो ड्रॉप ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो ड्रॉप एंड पिकअप पॉइंट है जो है, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो जो गाड़ियाँ हैं प्राइवेट पर्सन नंबर गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी कर दी जाती हैं, और ऑटो टैक्सी वालों का नंबर नहीं आता यहाँ पर। जबकि पार्किंग मैं आपको दिखाऊं तो इधर साइड में उस साइड छोड़ के पार्किंग बनाई गई है स्पेशल गाड़ियों के लिए। ये गाय, हाँ जी, क्या गाय, गाय गाय तो बैठी है, गाय से कुछ नहीं, नहीं गाय क्यों, सर मेन रोड पे बैठी है गाय, सर अब इसके बताओ चैनल पे की ऐसे गाय बैठती है, अब गाय की जिम्मेवारी हमने थोड़ी ली है, गाय की जिम्मेवारी नहीं, तो आपने किसकी जिम्मेवारी, आपने रिपोर्ट करते हो ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो ये न्यूज़ नहीं है, गाय बैठी है तो मैं गाय की न्यूज़ नहीं ले रहा, गाय की न्यूज़ आ रही है तो आने दो, वो प्रशासन की कमी है। और अभी एक गाड़ी तो जा रही है इधर से, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था मुझे, और यहाँ पे एक टैक्सी भी खड़ी हुई है सामने। लेकिन ये जो ड्रॉप ऑफ पॉइंट है जहाँ पिकअप एंड ड्रॉप किया जाता है, यहाँ पे कोई भी ना तो रिक्शा यहाँ पे खड़ा होता है ना ऑटो खड़ा होता है। ऑटो वालों की मैं बताऊँ तो ऑटो वालों की मजबूरी है, क्योंकि जो भी सवारियाँ आती हैं पैसेंजर जब आते हैं उतर के तो ऊपर से आते हैं, वहाँ से लिफ्ट लगी हुई है इधर से, वहाँ से नीचे आते हैं तो डायरेक्ट ही वहीं से पिकअप कर लेते हैं ऑटो वाले। लेकिन यहाँ कमी ये प्रशासनिक कमी ये चल रही है कि इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ ऑटो का पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट है ये वाला, लेकिन यहाँ पे पर्सनल गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, प्राइवेट नंबर गाड़ियाँ जो यहाँ पे खड़ी होती हैं उनसे ना कोई पूछता है कि गाड़ी क्यों खड़ी है, ना कोई उनसे जवाब मांगता है, जबकि पार्किंग स्पेशल गाड़ियों की उधर दे दी गई है मेट्रो स्टेशन के पास में, पार्किंग स्पेशल मेट्रो की, वहाँ पे कोई भी गाड़ी को पार्क नहीं करता है। यहाँ एक ऑटो चालक भाई साहब हैं, इनसे एक बार बात करता हूँ। भैया ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं प्राइवेट नंबर, तो ये क्या आपको यहाँ पे खड़ा नहीं होने देते? अभी मैं देख रहा था एक टैक्सी को एक गाड़ी वाले ने भगा दिया था यहाँ से, रुकने नहीं देते हैं गाड़ी। अच्छा, वाले क्यों? ऑटो वाले को कुछ समझते नहीं है, जबकि इनकी पार्किंग नहीं है, ऑटो वालों की लाइन बनी हुई है खड़े होने के लिए, हम लोगों को खड़ा नहीं होने देते, ये यहाँ से हटा देते हैं गाड़ी वाले, प्राइवेट वाले। अच्छा अच्छा, हटा देते हैं, क्यों? इनकी तो पार्किंग स्पेशल, जबकि स्टेशन के लिए पार्किंग दी गई है, मेट्रो की स्पेशल पार्किंग है, कुछ चार्ज लिया जाता होगा वहाँ पे 10-5 रुपए, टैक्सी वालों नहीं, इसका प्राइवेट वालों का इनका चार्ज लगता, लगता है, लेकिन चार्ज बताने के चक्कर में तो यहाँ खड़ा करके जाते हैं भाई। तो यहाँ पे कोई प्रशासन जो है कोई जवाब नहीं मांगता इनसे कि भाई क्यों खड़े हो यहाँ पे, कोई नहीं पूछता, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला या कोई और, यहाँ कोई नहीं पूछता, ये पूरा दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती है। अच्छा, कोई नहीं पूछता यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये ऑटो वाले भाई साहब है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पे पूरा सारा दिन जो है गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अभी मैं आपको ऑटो जो टैक्सी वाले हैं जिसको भगाया था गाड़ी वाले ने उससे बात करवाता हूँ। तो यहाँ पे टैक्सी वाले हैं, एक बार नीचे करो, क्या शीशा कर लो इसे कर लो। अभी ये गाड़ी वाले ने आपको भगाया था, क्यों, क्या कह रहा था गाड़ी वाला ये वाला वहाँ पे खड़े थे ना आप? पता नहीं, बोला कि आगे कर लो, मैंने आगे कर लिया। तो आप तो अपने पिकअप पॉइंट पे खड़े हुए थे? हाँ। लेकिन उसने जब भी आपको भगा दिया वहाँ से? तो हमें इतना कोई मतलब नहीं होता, हम तो खड़े कहीं भी खड़े हो जाएंगे, क्या दिक्कत है उसका? वही तो बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि यहाँ पे ऑटो टैक्सी ड्रॉप एंड पिकअप पॉइंट है। हाँ। लेकिन आपको वहाँ से भगा दिया था उसने, अपनी गाड़ी पार्क करके चला गया बंदा, है ना? तो फिर आपको कुछ कहना इनके बारे में, क्या नाराजगी करते हो इनसे? नहीं, हमें किसी कोई मतलब नहीं है, हमें अपने से मतलब है, वहाँ जगह नहीं मिली 10 कदम आगे लगा लेंगे, क्या दिक्कत होगा? चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे आदमी हो, है ना? तो ये भाई साहब कह रहे हैं, देखो कितने एक समझदार इंसान है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उसने मुझे भगा दिया तो मैं थोड़ा सा और आगे कर लूंगा। लेकिन ये जो जगह है ये प्राइवेट गाड़ियों के लिए नहीं है, यहाँ पे ड्रॉप एंड पिकअप पॉइंट है, जो कि टेम्पू टैक्सी रिक्शा ये सब के लिए यहाँ जगह बनाई गई है,
लेकिन ये जो लोग हैं प्राइवेट गाड़ियां वाले, ये मांगते नहीं है, ये कहीं भी गाड़ियों को खड़ी कर लेते हैं, ऐसे आगे खड़ी हैं। इधर मैं दिखाऊं तो उधर देखो रिक्शों के बराबर में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जूम करके दिखा देता हूं आपको। इधर देखो रिक्शे के बराबर में पर्सनल नंबर गाड़ियां जो है वो खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गाड़ियां खड़ी होती हैं। और आपका क्या कहना है इनके रिलेटेड, आप हमें वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।